अरे जब शक्ति, संपत्ति, संतुष्टि तीनों ही औरतें हैं, तो फिर इन मर्दों को किस बात का गुरु। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है एक रिक्रिएशनल लुक। यहाँ पे मैं आलिया भट्ट का गंगूबाई का लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं 100% ये लुक क्रिएट कर सकूँ मेकअप से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आलिया भट्ट जैसे दिखने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस लुक बाय मेकअप। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने फेस को CTM कर लिया था, और 5 मिनट्स बिफोर मैंने गार्नियर का ये सीरम अप्लाई कर लिया था फेस पे। तो अभी मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का सीरम अप्लाई कर रही हूँ विद गोल्ड लीव्स। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और स्ट्रिपलिंग ब्रश से इसे अच्छे से मैं स्प्रेड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस यूज़ किया है। ये एक प्राइमर की तरह भी काम करता है और बहुत ही ड्यूई लुक देता है। इस लुक को हमें थोड़ा सा ड्यूई रखना है, क्योंकि आलिया की स्किन बहुत ही हाइड्रेटेड और ड्यूई है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज करने की कोशिश कर रही हूँ अपने फेस को, ताकि लुक थोड़ा ड्यूई आ जाए। ये है पर्पल का कंसीलर पैलेट, ये आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें से मैंने पीच करेक्टर पिक किया है, और इसे मैं अपने जहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, जहाँ पे मुझे डार्क सर्कल्स या पैचेस है, उस पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। गाइज, ये पैलेट बहुत ही अच्छा है, मैं आपको इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। ये बटरी सॉफ्ट है और फुल कवरेज देता है, बहुत ही अच्छा पैलेट है ये, आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एक कंसीलर ब्रश से, फ्लैट कंसीलर ब्रश से, और उसके बाद हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे। अभी एक ब्रश से मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे वाटरी आइज़ की प्रॉब्लम हो गई है, तो कंटिन्यू मेरे आँखों से पानी आता रहता है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे मैंने शुगर का फाउंडेशन यूज़ किया है। ये एक स्टिक फाउंडेशन है, शेड नंबर है 15, और आप देख सकते हो ये शेड बिल्कुल मैच कर रहा है मेरी स्किन से। थोड़ा सा इस पर वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे मैंने स्प्रे कर दिया था, और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसे मैं सेट कर रही हूँ। ये भी एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये। अभी यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसका शेड नंबर है 2, सैंड सेवल। ये एक बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, हाइलाइटिंग कंसीलर है सॉरी। तो इसे भी हम ब्रश से सेट कर देंगे। आईज पे मैं जो भी इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, उसी को मैं अपने आईज के ऊपर घुमा रही हूँ ब्रश को। हमने अलग से यहाँ पे कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया है आईज पे, क्योंकि आलिया ने यहाँ पे कोई आई मेकअप नहीं किया था, तो आईज को हमें ऐसे ही रखना है। यहाँ पे फिट मी का पाउडर मैंने यूज़ किया है कॉम्पैक्ट, ये शेड नंबर अभी मुझे इतना याद नहीं है, शायद शेड नंबर 2 है। तो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, ताकि कंसीलर क्रीज ना हो। यहाँ पे मैंने आज लूज पाउडर यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्यूई लुक चाहिए, मुझे पाउडरी लुक नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे सिवाना का ब्रोक किट हम यूज़ करेंगे, और ये एक ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आप हैक भी बोल सकते हो। आप अगर गौर से देखोगे तो आलिया की आईब्रोज आपको देखोगे तो थोड़ी सी, एक्चुअली उन्होंने बनाई नहीं है आईब्रोज, तो मैंने यहाँ पे स्पूली से उसे एक पोकी लुक दिखाने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है, और फिर नीचे से थोड़ा सा उसे सेट कर दिया है ब्रश से। आप
देख सकते हो पीछे से थोड़ा सा डार्क लुक दिया है और सामने थोड़ा सा पोकीनेस दिखाने के लिए मैंने स्पूली यूज किया है। स्पूली पे थोड़ा सा आईब्रो पाउडर भी अप्लाई किया था, तो थोड़ी सी नेचुरल दिखानी थी हमें आईब्रोज। तो यहाँ पे मैं शुगर का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ये पीच कलर में है, ये क्रीम ब्लश है। तो हमें ड्यूई लुक मेंटेन करना है इसलिए मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर रही हूँ। और आलिया की स्किन बहुत ही हाइड्रेटिंग और बहुत ही यूथफुल है, तो इसलिए मैंने ये ब्लश चूज़ किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं शुगर का कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आईज़ मुझे मेरी बहुत ही ब्लैंड लग रही थी, इसके लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये कॉन्टोर पैलेट में से कॉन्टोरिंग यूज़ किया है आईज़ पे। यहाँ तो पहले अभी मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। अब देख सकते हो फेस की अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लेंगे। थोड़ा सा डबल चिन है मुझे, तो मैंने यहाँ पे भी कॉन्टोर अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे मैं नोज की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। तो गाइज मैं कह रही थी कि मुझे मेरे आईज बहुत ही प्लेन और ब्लैंड लग रहे थे, इसलिए मैंने इसमें से थोड़ा सा जो हाइलाइटिंग शेड है ब्राउन कलर, उससे थोड़े से अपने लिड्स को कवर कर दिया है, जस्ट एक नेचुरल लुक आने के लिए। और यहाँ पे प्लम का काजल मैंने यूज़ किया है वाटर लाइन पे, क्योंकि ये स्मच प्रूफ है। और इसके नीचे थोड़ा सा डार्क इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने APK का पाउडर आई शेडो नहीं, ये एक्चुअली जेल आईलाइनर है और ये आईब्रो पाउडर है इनका, तो उसे मैंने अप्लाई कर दिया है। और थोड़ा सा जो प्रोडक्ट बचा था वो ही उसे मैंने अपने लिड्स के पे भी अप्लाई कर दिया है। और ये है शुगर की क्रीम, एक मॉइस्चराइज़र है, ये टिंटेड मॉइस्चराइज़र, आप इसे स्ट्रोक क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ड्यूइनेस प्रोवाइड करने के लिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ सब हाई पॉइंट्स पे, हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे। और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे थोड़ा सा स्मच कर रही हूँ, आप देख सकते हो एक शीन प्रोवाइड करता है ये स्किन को, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। अभी यहाँ पे कोई फॉल्सेस उन्होंने अप्लाई नहीं की है, तो हम कोलोसल का मस्कारा अप्लाई करेंगे 2-3 कोट। और सेट कर दिया है मैंने मेकअप को वेट एंड वाइल्ड के सेटिंग स्प्रे से। इनसाइड के लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं, शेड नंबर है 13, ये थोड़ा सा पीची ब्राउन शेड है, तो आप देख सकते हो मैट लिपस्टिक है। और मुझे थोड़ा सा ये शेड इतना जमा नहीं, तो मैं ये रेड लिपस्टिक से उसे सेट कर दिया था मैंने। और एक क्लिप मेरे से मिस हो गई है फ्रेंड्स, ये जो मैंने बिंदी लगाई है वो मैंने लिप लाइनर से लगाई थी, और उसके ऊपर रेड लिपस्टिक को मैंने अप्लाई कर दिया अभी एक क्यू टिप से, और लिपस्टिक को मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे ये जेल आईलाइनर है इनसाइड का, उससे एक छोटा सा ये जो मार्क है वो मैंने बना दिया है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।